हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे इसके हम डोसिस फॉर्म की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस फॉर्म में मिल जाती है, और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे इसके हम यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे इसके हम डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है एक एंजाइम होती है, साथ ही होती है दोस्तों ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखती है। फ्रेंड, ये जो होती है हमारे शरीर द्वारा सिक्रेट की जाती है, जब हमारे शरीर में ये सिक्रेट नहीं होती है तो इसे बाहर से लेना पड़ता है। साथ ही मेडिसिन जो होती है दोस्तों ये नॉन ओपोइड मेडिसिन होती है, यानी ये क्या होती है, इसमें कोई अफीम पार्टिकल नहीं पाया जाता है। और दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज जो किया जाता है इन्फ्लामेशन को या फिर सूजन को कम करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है वो किस स्ट्रेंथ में मिल जाती है, दोस्तों ये आपको 1 लाख आई यूनिट में मिल जाती है। दोस्तों, ये क्या होती है, एक इंटरनेशनल यूनिट होती है जिसमें इस टैबलेट को मापा जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है, जानते हैं फ्रेंड्स। काइमोरल फोर्ट के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको काइमोरल प्लस के नाम से मिल जाती है, और दोस्तों ये आपको काइमडू फोर्ट के नाम से मिल जाती है, और सिस्टाल फोर्ट के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर इस टैबलेट के यूजेस की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, दोस्तों ये जो टैबलेट होती है एक एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है, यानी जब किसी पेशेंट के टिश्यू में सूजन आ जाती है तो उसको कम करने के लिए या फिर उसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई मरीज है जिसके दांतों के मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर उनकी जड़ों में सूजन आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, साथ ही इसका यूज जो किया जाता है एडिमा में यूज किया जाता है, यदि कोई मरीज है जिसके चेहरे पर सूजन आ जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी कारणवश सूजन आ जाती है तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस टैबलेट का वहाँ पर यूज किया जाता है यदि कोई पेशेंट है जिससे चोट लग गई होती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, उसके टिश्यू में सूजन आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जिनका एक्सीडेंट हो गया होता है या फिर वहाँ पर क्या जाती है सूजन आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। बर्न जो यूज किया जाता है इसका बर्न केस में भी यूज किया जाता है, यदि कोई पेशेंट है जो जल गया होता है तो उसके टिश्यू में क्या हो जाती है सूजन आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है सर्जरी के पश्चात भी यूज किया जाता है, यदि कोई मरीज है जिनका गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ हो गया होता है तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको सूजन को ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जिन्हें इन्फ्लामेशन आ जाती है या फिर कहीं भी शरीर पे सूजन आ जाती है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर कोई मरीज है जिनके जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाती है या फिर मसल्स में कहीं इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है। दोस्तों, इस टैबलेट को दिन में 2 बार लिया जाता है, यानी सुबह और शाम दिन में 2 बार लिया जाता है। और दोस्तों, इस टैबलेट को आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी इसको लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, आपको जो आपका एब्डोमेन होता है वो अपसेट सा रह सकता है या फिर उसमें दर्द सा रह सकता है। साथ ही दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, डायरिया की कंडीशन रह सकती है, यानी आपको दस्त लग सकते हैं। साथ ही इसमें इंडाइजेशन की समस्या देखी गई है, यानी इसमें क्या हो सकता है, जो आपका शरीर है
वो खाना नहीं पचा सकता, ये समस्या हो सकती है। साथ ही इसमें क्या रह सकता है दोस्तों, आपको पेन हो सकता है या फिर प्रेशर इन आइस यानी आपके आँखों में दर्द रहेगा। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस टैबलेट के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किशोर के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।